जब तुम मेरा नाम लेके कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। ये बाइबल में लिखा है, कुछ भी मांगोगे, यानी कि सही चीजें गलत चीजें मत मांग लेना। गलत चीजें कौन सी है? बीमारी गलत है, दुख गलत है, नशा गलत है, व्यभिचार गलत है, तो हम वो तो मांगने नहीं लगे। हम अच्छी चीजें मांगते हैं, अच्छी चीजें मांगते हैं ना प्रभु से। तो प्रभु ने कहा मेरा नाम लेके जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं यीशु नाम। मालूम है क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, ऊंचा है। बीमारी का भी एक नाम है, दर्द का नाम है, तकलीफ का, कैंसर का नाम है, घटी आपके घर में कर्जा है वो भी एक नाम है, कर्जा। लेकिन प्रभु का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। वो आपकी हर परेशानी का हल करने की सामर्थ रखते हैं। आमेन। अगर आज आप वापस जा रहे हो, हम आपको यीशु का नाम देकर भेजेंगे। किसका नाम देकर जाना है? दुनिया में बहुत सारे नाम चलते हैं, जब से दुनिया शुरू हुई बहुत सारे नाम आए और बहुत सारे नाम गए और आज भी चलते हैं, लेकिन यीशु वो नाम है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा जो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, दुनिया को बनाने वाला है, और उसने खुद अपना नाम लोगों को दिया, उसने खुद अपना नाम चेलों को दिया, कहा ये लो मेरा नाम। अब ये नाम क्या करेगा? ये नाम आपके पापों को माफ करेगा, ये नाम आपके श्रापों को खत्म करेगा, ये नाम आपके रोगों को खत्म करेगा, ये नाम आपकी जिंदगी से घटी और परेशानियों को हटा देगा, ये नाम आपको प्रभु के लिए जीना सिखा देगा, ये नाम आपको विक्टोरियस बनाएगा, जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा। ये नाम में बड़ी शक्ति है, ये नाम में बड़ी सामर्थ है। ये वो नाम है जिसने चार दिन के मरे लाजर को भी जिंदा कर दिया। लोग कहते हैं मुर्दे भी कभी वापस आते हैं, जब कोई मर जाता है ना कहीं, लोग कहते हैं अब नहीं वापस आना, फोन नहीं मिलना, खत्म। प्रभु कहते हैं नहीं नहीं, खत्म नहीं हुआ कुछ भी, जहां लोगों का खत्म होता है वहां मेरा शुरुआत हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से सुनिए, प्रभु का आत्मा आज यहां पर कार्य कर रहा है, मुझे मालूम है आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है मर भी जाए तो भी जिएगा। हम कहेंगे मर गया, खत्म हो गया, बर्तन तोड़ दो। हम नहीं बर्तन तोड़ते, क्योंकि हमें पता है मौत के बाद प्रभु हाथ थाम लेते हैं। हालेलुया। नई जिंदगी का शुरुआत हो जाता है, फिर वापस नहीं आना कीड़ा मकोड़ा बन के। नहीं नहीं, एक स्वर्ग एक नर्क है, यहां सिर्फ एक ही बार का सफर है। पेड़ पौधे कीड़े बकरा बिल्ली चाड़ू कुछ भी ऐसा बन के नहीं आना। एक जिंदगी है, बाइबल में लिखा है एक ही जिंदगी है, मनुष्य जीवन एक ही बार है, और मनुष्य ने जानवर नहीं बनना, क्योंकि प्रभु ने उसको अपने स्वरूप में बनाया, जानवर पक्षियों को नहीं। तो ये वो नाम है जो मौत के बाद भी हमें एक बड़ी आशा देता है कि मर भी जाएंगे तो भी जिएंगे, और असली जिंदगी तो वो है। अभी तो हमने जिंदगी देखी कहां है, ये तो हम जिंदगी का एक फीसदी हिस्सा भी देख नहीं पा रहे। असल में जीवन क्या है, जब हम बात करते हैं ना जिंदगी, अभी तो हमने वो जी के देखी नहीं। अभी तो आंसू कई बार बह जाते हैं, कई बार तकलीफ हो जाता है, दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है, अभी तो वो जिंदगी की शुरुआत हुई नहीं, हो गई है, लेकिन उसका जो असली पल आएगा वो शरीर को छोड़ने के बाद आएगा। वो खुशी का दिन होगा, वो आनंद का दिन होगा। यहां लोग रोएंगे, वहां सेलिब्रेशन होगी, वहां खुशियां मनाई जाएंगी, और जाने वाला भी आनंदित होता है, और यही चाहत रखता है मेरे बाकी रिश्तेदार भी यहां आ जाए जब भी आए। मुझे मालूम नहीं वहां जाकर अगर इस बात का ख्याल आता क्या आता होगा, जल्दी आ जाए वो भी यहां पर, मुझे पता नहीं, क्योंकि वो जगह बड़ी खूबसूरत है। तो यीशु नाम हमें आशा देता है
मौत का डर भी हमारी जिंदगी से चला जाता है। इसीलिए लिखा है, जो प्रभु के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा मुश्किलों से, तकलीफों से, दर्द से, तकलीफ से, अपने गुनाहों से, पारिवारिक शरापों से। बहुत सारे लोगों के परिवारों में शराब होते हैं, बारी बारी से सारे बीमार होते रहते हैं, और शराब गुनाह के कारण आता है, चाहे हम विश्वासी हो या अविश्वासी हो। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, मन फिराते हैं, वो शराब परिवारों से हट जाते हैं, जिंदगियों से हट जाते हैं। बहुत सारे शराब आपको मालूम है रिश्वत लेने के कारण आते हैं। बाइबल में लिखा है जो रिश्वत लेता है वो अपने बच्चों का बुरा करता है, बाइबल में लिखा है। तो बहुत सारे शराब रिश्वत के कारण आते हैं लोगों की जिंदगियों में। ले तो लेते हैं बच्चों के लिए, पर ये नहीं पता एक दिन यही धन उनको ढसेगा। तो बहुत सारे लोग कई चीजों में है, लेकिन धन्यवाद हो आज हमारे पास एक नई आशा है। हम वापस मुड़ के यीशु के नाम को पुकार सकते हैं और अपने अपने बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। थोड़ा खा लेना पर शराब मत ले आना। दो लोगों को इलाज करके थोड़ा खरा लेना लेकिन शराब मत लेकर आना। हाँ, पत्नी या पति वो कह देना मुझे भी चाहिए नया सूट, लेकिन हम प्रभु की शांति में जिए। बच्चे भी कह दे पापा नहीं खाना बर्गर, मम्मी की रोटी खा लेंगे, लेकिन घर में शराब नहीं आना चाहिए। हम आशीषित परिवार, आनंदित परिवार बने रहना चाहते हैं, हम प्रभु की शांति में बने रहना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है वो नाम सबसे ऊंचा नाम है। इस नाम की बड़ी जबरदस्त खासियत है। खासियत पता क्या है? आए हम अपनी बाइबल में जाएं, और कल मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा वाह प्रभु कितना सामर्थ्य आपका नाम। मरकुस रचित सुसमाचार बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 38 और 39 आयत में पढ़ूंगा, वर्स 38 एंड 39। यहां लिखा है तब यूहन्ना ने उससे कहा हे गुरु हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा। अब यीशु मसीह के चेलों ने जो यीशु के साथ चलते थे, चेले का मतलब क्या है? यीशु के साथ चलने वाले, यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु के कहे अनुसार चलने वाले, यीशु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहने वाले। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते खुशियां लेने के लिए, प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग खुशियां लेने के लिए आते हैं लेकिन प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है। ताने सहने के लिए तैयार नहीं है, मुसीबतें उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खुशी लेने के लिए आते हैं। लेकिन बाइबल में पता क्या लिखा है? अगर प्रभु के नाम के लिए दुख उठाना पड़े इसको आनंद की बात समझो। सब कहे हालेलुया। यहां जरूर जोरदार आमीन होना चाहिए था। अगर मैं कहता नई गाड़ी मिलेगी, पता नहीं आमीन कितना ऊंचा आ जा रहा था, लेकिन यहां ज्यादा आमीन वो ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि इसे आनंद की बात समझो। तुम आशीषित हो कि प्रभु के नाम से दुख उठा सके। पौलुस कहता मैं भी प्रभु के वो दुखों में अगर कोई घटी रह गई थी तो मैं उसमें भागीदार बना। उसने अपने आप को आनंदित समझा। तो हम खुशी लेने आते हैं लेकिन याद रखना प्रभु के साथ चलने में कई बार कुछ दुख भी दाएं बाएं से उठाने पड़ते हैं, लेकिन आनंद फिर भी बना रहता है, शांति बनी रहती है, वो सबसे कीमती है। तो यहां पर एक मनुष्य था जो प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, और चेलों ने कहा हमने जब उसे देखा हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं आता था, क्योंकि वो यीशु के ग्रुप का नहीं था। दूसरे शब्दों में उसका यीशु के साथ रिश्ता नहीं था। क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति प्रभु के साथ रिश्ते में ना हो लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा निकाल सके? 100% संभव है, क्योंकि यीशु के नाम में शक्ति है। एक व्यक्ति यीशु के ग्रुप का नहीं है। यीशु क्या? यीशु, चलो यीशु तो जो जानते थे जानते थे, चेलों को तक नहीं पता था ये बंदा कौन है, कहां से आया, आपने तो उसे देखा नहीं। कहीं ना कहीं से उसको पता लग गया कि जब दूसरे चेले गए थे ना यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। देखो उसके पास कोई बाइबल स्टडी नहीं थी, ना ही यीशु के पास बैठ के सुबह से लेकर रात तक वचन सुनता था,
ना ही गहरी बातें मालूम थी, उसको कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु का नाम जब इस्तेमाल करता था लोगों में से दुष्ट आत्मा निकल रहे थे। दिल अच्छा था, चाहत अच्छी थी, अपने नाम के लिए नहीं कर रहा था, लेकिन प्रभु को नहीं जानता था। देखो प्रभु का नाम इतना शक्तिशाली, कोई कहेगा अरे नहीं पता नहीं मुझे तो बड़े साल प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। नहीं, अगर आज आपने पहली बार भी यीशु के नाम को सुना है ना, आज उसको इस्तेमाल करना अपने परेशानियों के ऊपर, आपको जवाब मिल जाएगा। हालेलुया। मैं अपने बचपन से ही एक दुष्ट आत्मा के द्वारा तंग था। 3 साल से जब से मैंने होश संभाला, मैं रात को 1-2 बजे उठकर घर में इधर उधर भागना शुरू कर देता था, घर के बाहर भाग जाता था। मुझे बहुत सारी चीजें फिजिकली दिखाई देती थी, मैं बताता था वो देखो, कहते कहाँ है वो देखो, तूने पक्का फिल्म देखी है, मैं कहता नहीं फिल्म नहीं है वो देखो वहां खड़ा है। मैं बहुत लंबे समय तक, जब तक पूरी तरह चादर और अपने पांव के नीचे और सर के नीचे नहीं लपेट लेता था, मैं सो नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो नीचे उतरी नहीं मेरे पर अटैक हुआ है। तो जब मैंने 2002 में पहली बार प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मुझे झटके लगे शरीर में और कुछ में कांपना शुरू हो गया पूरी तरह, और दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ गया, बहुत सारे दुष्ट आत्मा थे। अगले दिन वापस मैं अपने कमरे में गया, पास्टर मेरे साथ नहीं है, और एक ही दिन हुआ मुझे प्रभु को जानने को, मैं तो जानता नहीं था उनके बारे में कुछ भी नहीं। मैंने वापस एहसास किया वो दुष्ट आत्मा वापस मेरे ऊपर आकर जैसे बैठ रहा है। मैंने यहां वजन महसूस किया, फिजिकली वजन महसूस किया, और मैंने देखा मैं लेटा हुआ था, मैंने कहा क्या है, मैं क्यों दब रहा हूं, और क्योंकि पुरानी बचपन से जान पहचान थी तो मैं उसे सूंघ भी सकता था, मुझे उसकी स्मेल से पता लग जाता था, वही है, मैं सेंस कर सकता था, जैसे ठंडक को सेंस करते हैं, गर्मी को सेंस करते हैं, वैसे मैं उसे सेंस कर सकता था वो यार। और मैंने मन में पता क्या सोचा, आ गया वापस। मैंने कहा मैं क्या करूं, और ना ही मैं उठ पा रहा हूं। कई बार होता है ना सपने में भी हम उठना चाहते हैं, उठ नहीं पा रहे, जैसे हमें किसी ने पकड़ लिया है, हम चिल्लाना चाहते चिल्ला नहीं पा रहे। मेरे जागते जागते ऐसा हुआ, मैं उठ नहीं पा रहा। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं तो दब गया पूरी तरह इस चीज के नीचे, ना मैं पास्टर को फोन लगा सकता हूं, फोन भी नीचे था, मैं सेकंड फ्लोर में रहता था, फोन फर्स्ट फ्लोर में था, उन दिनों में मोबाइल फोन ऐसे नहीं थे। तो मैंने कहा पास्टर कल यीशु का नाम इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से विस्पर किया यीशु, वो दुष्ट आत्मा उसी समय छोड़कर भाग गया, और कुछ नहीं बोला। और मैंने कहा इतना सामर्थ्य है ना, मुझे अभी नया जन्म पाए 24 घंटे भी नहीं हुए, प्रभु का नाम जाने 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन ये नाम काम करता है। मैंने पास्टर को फट से फोन किया, मैंने कहा मैंने आपको कुछ बताना है। कहते क्या, मैंने कहा यीशु के नाम में बड़ी शक्ति है। कहते तुझे कैसे पता लगा, मैंने कहा ऐसे ऐसे आया था, मैंने यीशु ही बोला भाग गया। हालेलुया, इतना शक्तिशाली नाम है ये। चलो मैं तो फिर भी प्रभु को जान गया था, यहां पर एक व्यक्ति को ज्यादा कुछ नहीं पता था, मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं पता था, लेकिन इतना पता था यीशु के नाम में शक्ति है। वो ये नहीं इंतजार करता रहा, अच्छा दुष्ट आत्मा है ए चेला लाभ के लिए आइए, और ना ही वो इंतजार कर रहा था तेल, तेल कहां से मिलेगा, तेल कहां से मिलेगा। बाइबल में तेल के बारे में लिखा है, रुमाल के बारे में लिखा, लेकिन ये पता किन लोगों के लिए था, जो पहली बार आए उनको कुछ भी पता नहीं है, अच्छा हमारे रिश्तेदार बीमार है, अच्छा तेल दे दो, चलो मर देना, हमने प्रार्थना किया, हमें प्रेयर करनी नहीं आती। मुझे अफसोस लगता है कई लोग कई कई सालों से विश्वासी है, अभी तक यीशु के नाम की शक्ति समझ में नहीं आई, अभी तक हम किसी के प्रार्थना किए हुए तेल पर निर्भर है, जबकि हमें खुद विश्वास में उठ खड़ा होना चाहिए था। और तेल बेचने वाली कलीसिया किसी की उन्नति होने नहीं देंगी, मैं बताऊं हम हमेशा निर्भर रह जाएंगे।
आपको खुद सीखना है। सब कहें खुद सीखना है, खुद प्रभु के नाम को पुकारना है। अगर मैं भी शुरू से तेल का काम करता है या तेल देता लोगों को प्रार्थना करके, एक भी लीडर खड़ा नहीं कर पाया। आज दुनिया में 55 देशों में काम फैला है ट्रॉडवी से बताई। पहले नजर में यीशु के नाम में शक्ति है, तुम कर सकते हो, जाओ तुम करो। अच्छा तेल बना के दे दो, नहीं हम तेल नहीं बनाएंगे, तुम नाम पुकारो प्रभु काम करेंगे। नहीं तो तुम कहोगे पास्टर जी ने तेल दिया था इसलिए काम हुआ। मैं ये नहीं सुनना चाहता, मैं ये सुनना चाहता हूं आपने प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। जोर से ताली बजाएंगे, हालेलुया। हमें सारी जिंदगी बच्चे नहीं बने रहना, सारी जिंदगी। देखो जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल में क्या सिखाते हैं बच्चों को? पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं, लेक्चर देना सिखाते हैं। खुद आज पोइम सिखाओ, बोलो, पोइम बोलना सिखाया जाता है ताकि एक दिन वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। उनको मौके दिए जाते हैं, उनका एग्जाम लिया जाता है, उनका टेस्ट लिया जाता है, उनको स्पोर्ट्स में दौड़ाया जाता है। ये कलीसिया भी एक स्कूल होता है और कलीसिया का पासवान एक कोच होता है और उसकी जिम्मेवारी है लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना ताकि वो भी जाए और प्रभु यीशु मसीह की रोशनी को फैलाए। हालेलुया। अगर आज हम यहां तेल की बोतलें रख ले, देखना अगले संडे कितने लोग हो जाएंगे। नहीं, आपको खुद खड़े होना है। सब कहें खुद खड़े होना है विश्वास में, कहें हिलाकर कहें पड़ोसी को आपको विश्वास में खड़े होना है। पिछले दिन मुझे मालूम पड़ा हमारी कलीसिया का भाई है लेकिन उसके घर वाले किसी और कलीसिया में जाना चाहते थे, वो चले गए। तो 4-5 हफ्ते गए तो हर बार तेल की बोतल लाते थे। अब 4th-5th हफ्ता था, मम्मी बड़ी खुश, उसने कहा मम्मी आज कहती भाई आज प्रभु ने दुगनी आशीष दी। बिल्कुल ऐसे करके आज प्रभु ने मुझे दुगनी आशीष दी। तो मम्मी बताओ क्या हुआ? कहते आज क्या हुआ, मैं 2 बार तेल की लाइन में लगी, मैं घूम के दोबारा चल गई, मुझे 2 बोतलें मिल गई तेल की, बड़े खुश। हम कब तक नादान बने रहेंगे? आप अगर यीशु का नाम जानते हो ना, देखना आपके द्वारा प्रभु काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इंतजार मत करो, कोई तेल ला दो, कोई पानी ला दो। गुरदासपुर में ही बड़ा चलता है पानी तेल। मीटिंग करने जाते हैं जब बड़ी कन्वेंशन होती, बोतले पानी की क्या करना, छिट्टा मारना घर में जाए ताकि घर पवित्र हो जाए। अरे जब आप पवित्र, आपका घर भी पवित्र। जोर से प्रभु के नाम को पुकारो। हालेलुया। अपनी जिंदगियां पवित्र नहीं करते बस घर छिट्टा मार के, कर क्या करोगे पवित्र करके अगर खुद पवित्र नहीं है तो? अगर खुद परमेश्वर का भय जिंदगी में नहीं है तो जब आप पवित्र हो आप जिस चीज को हाथ लाओगे वो भी पवित्र है। इसलिए बीमारों को जब छुआ जाता है वो चंगे होते हैं क्योंकि प्रभु की पवित्रता की सामर्थ काम करती है। वचन भी पवित्र है इसलिए वचन बोला जाता है लोग चंगे होते हैं क्योंकि वो पवित्र है। दुष्ट आत्मा भागता है क्यों? क्योंकि प्रभु का नाम पवित्र नाम है। सबसे ऊंचा नाम यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम, सबसे मीठा नाम यीशु तेरा नाम। मिलकर यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम, सबसे मीठा नाम यीशु तेरा नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम, सबसे मीठा नाम यीशु तेरा नाम। तब चेले प्रभु के पास आए, कहा आपने एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा निकाल के देखा है, हमारे ग्रुप का नहीं है वो। हम उसे मना कर रहे थे, अरे तू तू प्रभु को नहीं जानता, तुम्हारे ग्रुप का नहीं है, दुष्ट आत्मा मत निकाल। ये रोक रहे थे दुष्ट आत्मा निकालने से। और प्रभु ने आगे से क्या कहा? यीशु ने कहा उसको मत मना करो क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे। किसके नाम से? प्रभु के नाम से। कही यीशु नाम से, यीशु नाम।
यीशु नाम से क्या कर रहा था? वो सामर्थ के काम कर रहा था, सामर्थ के काम कर रहा था। मालूम है मूसा की चाहत क्या थी? प्रभु के सारे लोग भविष्यवक्ता हो। लोग पता क्या कहते थे? मूसा तू ही सुन, सिर्फ भविष्यवक्ता बन, तू ही प्रभु की आवाज सुन, हमें बता दे हम करेंगे जो तू कहेगा। लेकिन मूसा की चाहत पता क्या थी? प्रभु ये सब भविष्यवाणी करे, हालेलुया, ये सब बीमारों को चंगा करे। आपकी जिंदगी में बच्चे बीमार है, हाथ रोको, प्रेयर करो। पास्टर को लास्ट में ढूंढना, सबसे पहले आप प्रार्थना करो और गवाही लेकर आओ कि आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने काम कर दिया। हालेलुया, ये सुनना है हमें आपसे, ताकि दूसरों को भी मालूम पड़े। तो एक व्यक्ति जो प्रभु से दूर है ना, देखो वो भी दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। दिल सही था, सेवा की चाह थी, लेकिन प्रभु को जानता नहीं था, प्रभु के कोई वचन खास पता नहीं थे। कई लोगों को कलीसिया में आते हुए 30-30 साल हो जाते हैं, एक दुष्ट आत्मा नहीं निकाला जिंदगी। मैं सोचता हूँ हर विश्वासी का टेस्ट होना चाहिए हर साल, कितने दुष्ट आत्मा निकाले इस बार, कितने बीमारों के लिए प्रेयर किया। चाइना में ना पास्टर बनना ना किसी अच्छी रेकॉग्नाइज्ड चर्च का, कम से कम एक मुर्दा जिंदा करके आओ। वो निकल पड़ते हैं, फिर कई यहाँ पे मर तो नहीं गया, प्रेयर करते हैं, चलो एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, चार बार नहीं हुआ, और एक दिन कोई ना कोई जिंदा हो जाता है, जहां किसी की ताजी ताजी डेथ हुई होती है। चाइना में ये लेवल है, अगर प्रभु की सेवा करनी है तो वो ये वाली डिग्री मांगते हैं, बीटीएच सीटीएच बीटीएच नहीं मांगते। वो कहते हैं विश्वास दिखाओ। सब कहे क्या चाहिए? बाइबल में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना संभव है। मायने ये नहीं है कि आपको बाइबल की कितनी नॉलेज है, माइंड प्रभु देखे, प्रभु नॉलेज नहीं देखते कितनी नॉलेज है, प्रभु विश्वास देखते हैं। प्रभु को हमेशा, जब प्रभु ने विश्वास देखा प्रभु खुश हो गए। एक सुबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया, कहता प्रभु, प्रभु कहते मैं तेरे घर चलता हूं, क्योंकि उसका सेवक बीमार था। कितने लोग चाहते हैं हम आपके घर आके प्रार्थना करें? दो चार ही है बस, ज्यादा हो रहे हैं धीरे धीरे, कोई बात नहीं, कोई लोगों को फंस रहा है, कोई फंसा तो नहीं रहे, इसलिए वेट कर ले क्या कहना चाहते हैं। यीशु ने कहा मैं तेरे घर चलता हूं, पता क्या कहता है? प्रभु घर ना आने का कष्ट ना कर, वचन बोल दो मेरा सेवक चंगा होगा। हालेलुया, क्या बोल दो? वचन बोल दो। आप बाइबल पढ़ते होगे आप चंगे हो जाओ, आप बाइबल सुनते होगे आप चंगे हो जाओ। आपको ले हैंड प्रेयर के लिए किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आजकल रिवाज चला ले हैंड प्रेयर का, पिछले दिनों में मैंने देखा फ्री ले हैंड प्रेयर। मैं देख के हिल गया, मैं कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, फ्री ले हैंड प्रेयर। मुझे एक अनाथ का गीत याद आ रहा है, तेरा लगभग अब मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा लहू मेरे। यहाँ वचन इस्तेमाल करो, तेरा वचन मेरे लिए काफी है। एक बार फिर से, तेरा Yeah.
बताऊं मैंने वचन से पाया। मैंने दूसरों की प्रार्थनाओं से नहीं पाई, धन्यवाद जिन्होंने प्रार्थना की ना, मिली होगी जरूर, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन वचन मेरा सोर्स है, प्रभु का शब्द, शब्द देदारी हुआ। मैं जो रोज सुबह उठता हूं ये आशीष अपनी जिंदगी में लेता हूं। हालेलुया, जब प्रभु का वचन पढ़ता हूं तेरे बच्चे आशीषित होंगे, मैं कहता हूं प्रभु आमीन। तेरी स्त्री तेरे लिए आशीष होगी, मैं कहता हूं आमीन। जब मैं वचन पढ़ता हूं, वचन मुझसे बात करता है, वचन कहता है तेरे घर में कोई घटी ना होगी, मैं कहता हूं आमीन प्रभु। हालेलुया, एक बार फिर से, तेरा वचन साथ रहते थे, लेकिन प्रभु कहते ये व्यक्ति जो मैं तुम्हारे साथ नहीं ना ग्रुप में, मैंने ऐसा विश्वास तुम लोगों में भी नहीं देखा। जब उन्होंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया, प्रभु प्रभावित हुए। प्रभु तब तक प्रभावित नहीं होंगे आपकी जिंदगी से जब तक आप तेल और कपड़ों पे निर्भर रहोगे। प्रभु प्रभावित तब होंगे जब आप वचन पर विश्वास करोगे। प्रभु तब तक प्रभावित नहीं होंगे, कभी इधर प्रार्थना करा ली, उधर करा ली, नहीं नहीं, प्रभु प्रभावित होंगे। प्रभु को एक पल नहीं लगेगा, आज विश्वास करो आप प्रभु के हाथ को, महिमा को जिंदगी में देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार तो जीतों से मुर्दे चंगे होते हैं, पता है क्यों? लाजर को मरे 4 दिन हो गए, हम प्रभु की आवाज नहीं सुन पाते, प्रभु का वचन सुन नहीं पाते, प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते। 4 दिन में कब्र में पड़े हुए लाजर ने जब प्रभु की आवाज को सुना, वो जिंदा होकर बाहर आकर खड़ा हो गया। हालेलुया। वो मुर्दा भी कहता होगा, तेरा वचन मेरे लिए काफी है, तेरा वचन समाचार 7वां अध्याय 22वीं आयत। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए प्रभु? लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, मैं उस दिन तुमसे कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक तरफ वो व्यक्ति जिसने विश्वास किया और प्रभु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रभु के नाम से आश्चर्यकर्म हो रहे हैं,
मिरेकल्स हो रहा है और अब प्रभु का दिन आता है और कहता प्रभु मैं भी हूं, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा किताब में? प्रभु मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु दुष्टात्मा गिनाओ कितने निकाले, किताब लिख दी है। मैं तुम्हें नहीं जानता प्रभु, मैंने इतनी सारी प्रोफेसियां की, प्रोफेसियां मैंने लोगों को बता दिया, घर में कितनी लमारियां हैं, कितने दरवाजे, जेब में कितने पैसे, बताना गलत नहीं है, प्रभु ने आपको गिफ्ट दिया इस्तेमाल करो, लेकिन वचन के साथ बैलेंस करके। प्रॉब्लम कोई नहीं है भविष्यवाणी करने में, दुष्टात्मा निकालने में प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति का प्रभु के साथ रिश्ता नहीं था। देखो 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 ध्यान से देखो वचन में, हम कहते हैं ओहो पता नहीं 40 दिन फास्टिंग करेंगे फिर दुष्टात्मा निकलेंगे, नहीं, आपके लिए प्रभु का नाम है काम होगा। हालेलुया। ये ऐसे है, मान लो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब का कोई कार्ड मेरे हाथ में लग जाता है, मान लो आईडी कार्ड था, साइन कई बार हुए होते हैं, साइन उधर कार्ड होता है, साइन हुए होते हैं, कोई नहीं दिखा देना, पुलिस पकड़ा चालान काटने लगी, आ देख लो जरा, हाँ एमएलए साहब का कार्ड, अच्छा अच्छा ठीक है, पहले दसना सी ना, इतना टाइम देखो लगते थे, आप देख रहे हो, और प्रधानमंत्री कार्ड हो तो मान लो अर्जुन जेब में कार्ड है, मेरे हाथ लग गया, गिर गया, मैं जेब में डाला, मैंने ना सुन, अर्जुन कहेगा कोई नहीं मैं नवा साइन करा लूंगा, मैं तो जानता ही उनको, मैं क्या आऊंगा कहूंगा नवा कार्ड दे दो, उनके दफ्तर में जाऊंगा, मेरे हाथ कार्ड लग गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कार्ड जगह जगह करा, ये देखो प्रधानमंत्री साहब का कार्ड, ओहो कोई बात नहीं आपका काम हो जाएगा, ये 10% डिस्काउंट दे दो, ये देखो प्रधानमंत्री साहब का कार्ड, चलो दे दिया डिस्काउंट, ये सरकारी काम जी इनकम टैक्स वाले थोड़ा मेहरबानी करो, ये देखो प्रधानमंत्री साहब का कार्ड, चलता कि नहीं चलता, मुझे एक बात बताओ चलता कि नहीं, चलता कि नहीं। अब एक दिन मैं प्रधानमंत्री साहब के सामने आता हूं, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी इसने बड़ा कार्ड आपका इस्तेमाल किया, नाम हमने सुना, सोचा आपका रिश्तेदार, मैं इसे नहीं जानता, आप समझ रहे हो, तो इसका अर्थ क्या है, एक व्यक्ति को यीशु का नाम मिल सकता है, वो नाम इस्तेमाल कर सकता है, उसके नाम में शक्ति है और वो शक्ति काम करती है, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है प्रधानमंत्री उसको नहीं जानते, okay. मैंने इसको कभी अपने दफ्तर में नहीं देखा, मैंने कभी इसको मेरे साथ बातें करते हुए नहीं देखा, मैंने कभी इसका कमिटमेंट नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा इसने कहा आज से लेकर जिंदगी मेरी है, ये आपकी है, मैंने इसे बपतिस्मा लेते हुए नहीं देखा, मैंने इसको नहीं देखा, लेकिन कार्ड इस्तेमाल करता है, ये है प्रभु यीशु मसीह के नाम की शक्ति, आप जाओ और इस्तेमाल करो, लेकिन प्रभु के साथ रिश्ते में चलते चलते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये नहीं कि हम बहुत बड़ी सेवा शुरू कर ले, दुनिया को हिला दे, नाम पूरी दुनिया में हो जाए और यीशु को उसे सुने मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं प्रभु मैंने कलीसिया में दशमांश दिया मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं हर संडे कलीसिया गई थी मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने सफाई कराई थी मैं तुम्हें नहीं जानता। शुरुआत तब होती जानने की जब उनको जिंदगी दे देते हैं, क्या कर देते हैं जिंदगी, प्रभु आपको आशीष देंगे अगर आज आप आए हो, लेकिन एक रिश्ते में भी जुड़ के जाओ क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है, ये जिंदगी का सफर पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, प्रभु आपको थर्ड वेव में भी संभाले, आमेन, तो भी आ रही है कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं हमारे पास यीशु का नाम है, सब कहें मेरे पास यीशु का नाम है, यीशु का नाम मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा, कहें प्रभु का नाम मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा, वैक्सीन से भी ज्यादा सुरक्षित रखेगा, किससे ज्यादा सुरक्षित रखेगा, वैक्सीन से भी ज्यादा, वैक्सीन लगाइए प्रॉब्लम कोई नहीं है,
लेकिन विश्वास इस नाम पे रहे। डॉक्टर ने कहा दवाई खानी है, खा लो, टेस्ट करा लो, ठीक हो गया, आप पे बंद कर देगा, लेकिन विश्वास इस नाम पे रहे। क्योंकि याद रखना, दवाइयां फेल हो जाती हैं, पैसे फेल हो जाते हैं, रिश्तेदारियां फेल हो जाती हैं, जान पहचान फेल हो जाती है, यीशु का नाम कभी फेल नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाते और प्रभु को महिमा दे, ताली बजाते हुए सब अपनी आंखें बंद करें, कुछ समय के लिए परमेश्वर को महिमा दे, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, रब बाबा से वी वर्शिप यू। हालेलुया, आराधना करें, आवाज आपकी आवाज आनी चाहिए। धन्यवाद करें इस वचन के लिए। हालेलुया, यीशु नाम में चंगाई, तेरे नाम में, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम आपको छूने जा रहे हैं, आज आपकी जिंदगियों को बदलने जा रहे हैं। कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो आज लोगों को छोड़ने जा रहे हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। कई बार कुछ पुराने विश्वासियों को भी दुष्ट आत्मा पकड़ लेते हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपको आजादी देगा, आज प्रभु आपको आजादी देंगे, आपके लिए आजादी का दिन है, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। छोड़े हर दुष्ट आत्मा, छोड़े, मैं आज्ञा देता हूं, छोड़े। हर कोई अपनी आंखों को बंद करे, अपनी आंखों को बंद करे, यीशु की ओर देखे, यीशु की ओर देखे, यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से। छोड़े, छोड़े, छोड़े दुष्ट आत्मा, छोड़े, छोड़, छोड़, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, मैं कहता हूं छोड़ दे, छोड़ दे। भाइयों में कुछ लोग आजाद हो रहे, छोड़, छोड़, शैतान छोड़, 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 निकल, छोड़ दे, छोड़ दे जिंदगी, छोड़, छोड़। यीशु के नाम में लोग आजाद हो रहे, घुटनों पे, छोड़ जा, छोड़ जा, छोड़ जा, घुटनों पे, घुटनों पे, शैतान को घुटनों पे बांधता हूं मैं तुझे, यीशु छोड़ दे, छोड़, बांधता हूं, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु के नाम में छोड़, 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 तेरे नाम में गुटों में, प्रभु के आगे गुटों में, गुटों में आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यह जाने बोलता हूँ, यीशु के नाम में छोड़ दे इसको, छोड़, आजादी, आजादी, छोड़ दे, 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 छोड
यीशु नाम जग सबसे यीशु नाम बड़ा मजहब से यीशु नाम जग सबसे अच्छा यीशु नाम याद हो गए हो यीशु का नाम लेते रहना आप आजादी में बने रहोगे। हालेलुया।